सीबीआई की टीम रिया के घर पहुंच चुकी है। जी हां, सीबीआई के अफसर जो हैं रिया के घर पहुंचे हैं और आज रिया का बयान दर्ज किया जाएगा। रिया को लेकर जो है काफी समय से ये बात कही जा रही थी कि रिया का बयान कब दर्ज होगा, और आज जो है रिया का बयान दर्ज करने के लिए पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम। सीबीआई के कुछ अफसर पहुंचे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी महिला का बयान दर्ज करना होता है तो सीबीआई की टीम अक्सर उसके घर जाकर करती है, अगर महिला हो तो। सीबीआई की इस टीम में महिला अफसर भी शामिल है और इसीलिए इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि सीबीआई की टीम जो है रिया को डीआरडीओ भी बुला सकती है, लेकिन सीबीआई की टीम जो है रिया के घर पहुंची है उसका बयान दर्ज करने। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीबीआई की टीम को मिली है। रिया ने 8 हार्ड डिस्क सुशांत की क्यों उड़वाई, उसमें से डाटा जो है क्यों उड़ाया गया, क्यों जो है ड्रग की जो सारी चैट आई है उसको लेकर जो है रिया का बयान दर्ज किया जाएगा, और अगर बयानों के दौरान किसी तरह का उन्हें संदेह हुआ तो उसका अरेस्ट भी किया जा सकता है। सीबीआई की टीम ये भी माना जा रहा है कि थोड़ी देर में बाकी जितने वहाँ पे रूम में मौजूद थे विटनेसेस, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, उनको भी बुला सकती है और उनके सामने भी रिया का, जिस तरह से इन सभी का आमने सामने बैठा कर इंटेरोगेशन किया है, वैसे उन सभी का भी, यानी कि रिया का भी, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, इन सबके साथ बैठा कर इंटेरोगेशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है पहले रिया का बयान दर्ज किया जाएगा, रिया से पूछा जाएगा, रिया से सारे सबूत लिए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है ड्रग इन्वॉल्वमेंट और जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डैमेज कराने के लिए आईटी प्रोफेशनल को भेजा था, 8 हार्ड डिस्क जो डैमेज कराई गई है उसको लेकर उनका बयान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सीबीआई की टीम पहुंची है और अभी उनका बयान जो है शुरू हो जाएगा, और आज कुछ ना कुछ जो है मुझे लगता है कि इस पूरे केस में बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। विकास सिंह ने भी सुबह इंटरव्यू में ये कहा कि इस केस में एक दो दिन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और इस केस में हमें बहुत ही जल्दी न्याय मिलने वाला है।